3 जुलाई सेंट थॉमस के नाम से जाने जाते हैं। थॉमस को भारत जाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उसने अनिच्छा से विरोध किया। भले ही यीशु रात में उसे दिखाई दी, कुछ ही समय बाद अब्बन नाम का एक व्यापारी राजा गोंडोफेरस के लिए काम करने के लिए बढ़ाई की तलाश में भारत से आया। यीशु मसीह थॉमस को एक दास के रूप में उसके साथ जाने को कहता है और इस बार थॉमस उत्साह से सहमत हो जाता है। थॉमस उस व्यापारी के साथ भारत की ओर रवाना होते हैं। उसे गोंडोफेरस के सामने लाया गया, जिसने उससे उसका शिल्प पूछा। थॉमस ने कहा कि वह एक बढ़ई और एक निर्माता है, जो राजाओं के लिए महलों सहित कई चीजें बनाने में सक्षम था। इसलिए गोंडोफेरस ने उसे एक महल बनाने के लिए कहा। थॉमस ने उत्तर दिया कि वह महल के निर्माण के लिए सर्दियों के महीने की प्रतीक्षा करेंगे, जिसने गोंडोफेरस को चकित कर दिया, क्योंकि बाकी सभी ने गर्मी के महीने में बनाया था। लेकिन थॉमस ने जोर दिया और गोंडोफेरस ने उसे महल के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में धन दिया और महीने बीतने के साथ साथ उसे बड़ी मात्रा में धन और प्रावधान भोजन जारी रखा। लेकिन थॉमस ने गोंडोफेरस के प्राप्त सभी धन और प्रावधानों को ले लिया और उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद राजा गोंडोफेरस ने थॉमस के पास एक दूत भेजा और उससे पूछा कि महल के काम कैसा चल रहा है। छत को छोड़कर सब कुछ बनाया गया है, थॉमस ने उत्तर दिया। इसलिए गोंडोफेरस ने उसे महल की छत के लिए सोना और चांदी भेजा और थॉमस ने परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए गरीबों को सब कुछ दे दिया। कुछ दिन बाद राजा शहर आया और महल के बारे में अपने दोस्तों और सहयोगियों से पूछताछ करने लगा। उन्होंने उसे बताया कि थॉमस ने किसी महल के बारे में कुछ नहीं किया है, बल्कि वह पीड़ितों को बड़ी रकम देने और बीमारों को चंगा करने और नए परमेश्वर का प्रचार करने के बारे में सोचता रहा है। इस कारण राजा गोंडोफेरस के क्रोध भड़क गया और उसने थॉमस को बुला लिया। क्या तुमने मेरे लिए मेरा महल बनवाया है, उसने पूछा। हाँ, प्रेरित ने कहा, तो मुझे दिखाओ, राजा ने कहा। तब थॉमस ने सिर हिलाया, आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, आप इसे केवल तभी देख पाओगे जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे। निश्चय ही राजा का क्रोध बहुत बढ़ गया था। थॉमस को जेल में डाल दिया गया और गोंडोफेरस ने फैसला किया कि वह उस प्रेरित को जिंदा मार देंगे। इसी बीच राजा का भाई गाद गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा अपने भाई से प्यार करता था और बड़े दुख के साथ उसके शोक की तैयारी करता था। हालांकि जब वे उसके शरीर पर दफनाने के कपड़े डाल रहे थे, गाद फिर से जीवित हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और अपनी तरफ दौड़ा। तब गाद ने गोंडोफेरस से कहा, भाई, मैं तुम्हारे उदार हृदय को जानता हूँ और तुम कैसे अपना आधा राज्य किसी को भी दे दोगे जो मेरी खातिर मांगे। मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक अनुग्रह प्रदान करें। और गोंडोफेरस ने गाद से कहा, कुछ भी मांगो और मैं उसे दूंगा। तब गाद ने कहा, हे भाई, मुझे अपना महल स्वर्ग में बेच दे। राजा इस बात से बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा, स्वर्ग में मेरा महल कैसे हो सकता है। तब गाद ने उससे कहा कि जब वह मरा तो उसके प्राण स्वर्गदूतों द्वारा स्वर्ग पर उठा लिए गए, जहां उन्होंने उसको बहुत से भवन दिखाए। अंत में वे एक ऐसा व्यक्ति के पास गए जो विशेष रूप से सुंदर था, और गाद ने स्वर्गदूतों से इस खूबसूरत महल के सबसे छोटे कमरे में रहने की अनुमति मांगी। परंतु स्वर्गदूतों ने यह कहकर सिर हिलाया कि वह उस भवन में नहीं रह सकता, इसे थॉमस ने अपने राजा के लिए बनवाया है। तब गाद ने उस स्वर्गदूत से कहा कि मुझे अपने भाई के पास लौटा दे कि उससे भवन मोल ले, और उन्होंने उसे इसी उद्देश्य से लौटने दिया। तब गोंडोफेरस ने अपने भाई से कहा, भाई, उस विशेष महल को आपको बेचना मेरा अधिकार में नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसा महल खरीदना चाहते हैं तो यह मेरी शक्ति में है कि मैं आपको इसे खरीदने का साधन दे दूं। इसलिए थॉमस को गाद के लिए एक महल बनाने के लिए स्वतंत्र किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने गोंडोफेरस के लिए बनाया था। दोनों भाई मसीह बन गए और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गरीबों को उनके शासन में राहत देने के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि यह एक ऐसी खजाना है जिससे सबसे अच्छा महल बनाए जाते हैं। इसके बाद थॉमस दूसरी जगह की ओर यात्रा करता है और उपदेश देने और दुष्टात्मा को बाहर निकालते हुए और यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करने के बाद और उसे अंत में राजा मिस्दियस के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। थॉमस प्रार्थना करता है क्योंकि उसे 4 रक्षकों द्वारा उसकी मौत के लिए ले जाया जाता है, जो उसे भाले से उन्हें मार देता है। हालांकि
थॉमस की कुर्बानी भारत की पश्चिम तट पर नहीं बल्कि उपमहाद्वीप के दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी शहर मायलापुर में बाद के चेन्नई के पास हुई थी। वहाँ थॉमस काली देवी के हिंदू पुजारियों के साथ वाद विवाद में आ जाता है, जिन्होंने उन्हें अपनी देवता का अपमान करने के लिए और अपने अनुयायियों को परिवर्तन करने के लिए मार डाला। फिर उनकी हड्डियों को मायलापुर शहर में लाया गया और एक चर्च के अंदर दफनाया गया, जिसे उन्होंने पहले ही वहां बनाया था, जहां 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने सेंट थॉमस बेसिलिका का निर्माण किया था, जिसे 1893 में अंग्रेजों ने फिर से बनाया था।